स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आप अगर सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं, साथ में अगर आप तैयारियां भी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, मतलब कि बिल्कुल सही चैनल पर पहुंचे हैं। इस चैनल में आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की अपडेट, साथ में इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एग्जामिनेशन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के रिक्त पदों को भरने के लिए जारी की गई एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश ने टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के रिक्त पदों को भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 8 मार्च 2019। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स 2019 रिक्वायजेशन टू बी यूज्ड फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटी नॉन मेडिकल एंड टीजीटी मेडिकल इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट अगेंस्ट वैकेंसीज फ्रॉम टीजीटी क्वालिफायर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऑल द रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स इन इंचार्ज सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स इन हिमाचल प्रदेश विद रिक्वेस्ट दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स मे बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लेटेस्ट बाय 8 मार्च 2019। जी हाँ, इन सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन ने ये कहा है कि आप जितने भी जो कैंडिडेट्स के नाम आपके पास रजिस्टर्ड है उनको हमें भेजिए। कब तक? 8 मार्च 2019 से पहले पहले तक। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है 52, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए 40 वैकेंसी है एंड टीजीटी मेडिकल के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसीज है। एज लिमिट की बात की जाए तो आपको पता है हिमाचल में एज लिमिट आपकी मैक्सिमम होती है 45 एंड मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, बैच ईयर फॉर टीजीटी नॉन मेडिकल एंड बैच ईयर फॉर टीजीटी मेडिकल। टीजीटी नॉन मेडिकल की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल के लिए 2004 का बैच ईयर है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2007, शेड्यूल कास्ट के लिए 2014 एंड एसटी के लिए अप टू डेट। बैच ईयर फॉर टीजीटी मेडिकल के लिए जनरल के लिए 2006 एंड ओबीसी के लिए 2010 एंड एससी एंड एसटी के लिए अप टू डेट। और आपको अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको ये लिंक हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने इसको डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे देखिए आपके सामने पूरा पूरा खुल चुका है। और ये जब आपकी सैलरी पैकेज रहेगा, ये रहेगा 13,900, मतलब कि आपको अप्रॉक्सीमेट ये महीने का कंसोलिडेटेड सैलरी इतनी मिलेगी। तो कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए वैकेंसीज की, तो जनरल के लिए 22 वैकेंसी है, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, टोटल 40। टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए ये थी। अब टीजीटी मेडिकल की बात की जाए तो जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। तो ये थी टोटल आपकी, और एज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और बैच ईयर की बात की जाए तो आपको दोबारा से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो बैच ईयर यहाँ पर है। ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 2004, 2007 एंड 2014 फॉर टीजीटी नॉन मेडिकल एंड 6, 10 अप टू डेट फॉर नॉन मेडिकल के लिए। आपको